एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एनटीए यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र एजुकेशन मेन पेपर वालों के लिए है। हमारा जो यूनिट 8 है, जो कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट कॉब। दोस्तों, आप लोगों के मैसेज मुझे लगातार मिल रहे हैं, आप बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बताइए। तो जो मैं टॉपिक अभी कवर कर रही हूँ अपनी सीरीज़ में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में, वही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगी, जैसा कि मैंने अभी पेपर वन के लिए बनाया था। पेपर वन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी मई में जो एग्ज़ाम होने वाली है 2021 के लिए, उसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन पेपर में, वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स से देख करके मैं आपको वन बाय वन टॉपिक कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये पोस्ट कॉब क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसे समझना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, हमारे लिए सिंपल भी है और नया भी है, क्योंकि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है तब से ये ऐड हुआ है, ठीक है। सिंपल है, न्यू है, येट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से आराम से आपको समझाऊंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में कि ये पोस्ट कॉब क्या है, ठीक है। उससे पहले, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर वन या एजुकेशन पेपर टू, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन जैसे किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की, आपको टेलीग्राम की और फेसबुक की सभी की लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो हमारे ग्रुप से वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आप लोगों को ये बता दूं मैं कि वेबसाइट पर हिंदी इंग्लिश में फ्री में पिछले 16 सालों के, अब 15 साल से 16 साल के हो चुके हैं ये पेपर जो है अवेलेबल है। पेपर वन के पिछले 16 सालों के, एजुकेशन के, साइकोलॉजी के कुछ कम मिलेंगे आपको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है वेबसाइट में, आ गई थी, इस कारण वो अपलोड नहीं हो पाए। नेट का कुछ स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फ्री में भी, और अगर PDF चाहते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये जो हमारा टॉपिक है पोस्ट कॉब, देखिए दोस्तों, ये मैनेजमेंट से आता है, और पोस्ट कॉब का जो है ये फुल फॉर्म हमको सबसे पहले ये समझना है कि ये किस चीज़ का फुल फॉर्म है। तो देखिए, पोस्ट कॉब में पी जो है प्लानिंग को डिनोट करता है, ओ ऑर्गेनाइजेशन को, एस स्टाफिंग को डिनोट करता है, डी डायरेक्टिंग को, सी एंड ओ साथ में कोऑर्डिनेटिंग को डिनोट करता है, आर रिपोर्टिंग को, और बी बजटिंग को। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि भाई पोस्ट कॉब में पी किस चीज़ को डिनोट करता है, एस किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है, आर किस चीज़ को डिनोट करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इसके फुल फॉर्म को याद कर लेना है कि जो पोस्ट कॉब है इसका फुल फॉर्म क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ठीक है। अब ये क्या है और इसकी हिस्ट्री पहले मैं आपको बताती हूँ, हिस्ट्री बता देती हूँ क्योंकि क्या है फिर वो हम वन बाय वन स्टेप वाइज समझेंगे, ठीक है। क्या है ये फुल फॉर्म है पोस्ट कॉब का, क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। किसने ये टर्म दी थी सबसे पहले? लूथर, ग्यूलिक एंड लिंडल उर्विक ने ये टर्म दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है यहाँ से, ठीक है। और कहाँ पर इन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था? सबसे पहले इन्होंने एक मैनेजमेंट के ऊपर एक पेपर लिखा था जिसका नाम था नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिश्ड इन 1937। तो इन्होंने एक मैनेजमेंट का पेपर लिखा था जिसका नाम था नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इस टर्म का इन्होंने सबसे पहली बार यूज़ किया था। और इन दोनों में से भी लूथर ग्यूलिक का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए कई बार बुक्स के जैसे नाम आ जाते हैं, इस तरीके से ये मैनेजमेंट के पेपर का भी नाम इम्पॉर्टेंट है कि लूथर ग्यूलिक ने अगर पोस्ट कॉब का नाम लिया है तो वो किस मैनेजमेंट के किस पेपर में लिया था सबसे पहली बार, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। देन उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि जो ग्यूलिक है वो इस चीज़ का जो उन्होंने नाम का इन्होंने जो इन्वेंशन करा है, जो काम इन्होंने किया है ये पोस्ट कॉब वाला, वो ये उसका श्रेय देते हैं किसको? फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट,
ये बोल रहे हैं कि हेनरी फॉयल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, हेनरी फॉयल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं और 5 एलिमेंट्स दिए हैं मैनेजमेंट के, उसको पढ़ने के बाद ही, उसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही ग्यूलिक जो है ये पोस्ट कॉब का कॉन्सेप्ट लेकर के आ पाए। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री। ठीक है, लूथर ग्यूलिक मतलब कि पोस्ट कॉब, आपको याद रखना है ये चीज़। फुल फॉर्म आपको याद रखना है कब और कौन से पेपर में ये छपी थी पहली बार बात, और ग्यूलिक का आधार क्या है, किसके आधार पर उन्होंने ये काम किया, तो हेनरी फॉयल्स 14 प्रिंसिपल एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर उन्होंने ये काम किया। हेनरी फॉयल्स की थ्योरी जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर आगे चलते हैं। तो व्हाट इज पॉस्कॉब है क्या एक्चुअली में? हिस्ट्री समझ ली हमने, फुल फॉर्म समझ लिया। देखिए जो लूथर ग्यूलिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी किसी, मान लीजिए कोई भी एक संस्था है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो उसका हेड होता है, उसे कुछ कॉमन ड्यूटीज होती हैं जो उसे करनी ही होती हैं, उसे करनी ही पड़ती हैं, और उन्हीं सब ड्यूटीज का कलेक्शन ही क्या है, ये पोस्ट कॉब है। ठीक है, किसी भी संस्था के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर को जो सारी ड्यूटीज करनी होती है, उन्हीं सभी का सम क्या है, पोस्ट कॉब है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये पोस्ट कॉब जो सारे काम एक मैनेजर करेगा वो है, और ये काम कैसे करता है वो स्टेप बाय स्टेप, आप याद रखिएगा इस चीज़ को भी, है ना? ऐसा नहीं कि एस पहले आ जाए, ओ बाद में आए, और पी बाद में आएगा फिर उसके, नहीं, प्लानिंग पहले होगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्शन होगा, फिर कोऑर्डिनेशन होगा, फिर आर क्या होगा और बी क्या होगा, आप बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट में लिख करके। अभी हमने फुल फॉर्म देखे, ठीक, तो चलिए आप वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। ये समझ गए आप, हिस्ट्री समझ गए, पोस्टकॉब क्या है, लूथर ग्लुइक ने क्या कहा है कि एक संस्था के हेड को जो सारे काम करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उन सब का कलेक्शन क्या है, पोस्टकॉब है। मतलब कि अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हेड हैं, तो आपको ये सारे काम करने होंगे, आपको प्लानिंग भी करनी होगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ेगा, आपको स्टाफिंग भी करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारे काम आपके जिम्मे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वन बाय वन, इसको समझ लेते हैं, इजी है पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लानिंग, अगर आप किसी संस्था के हेड हैं, मैनेजर हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी संस्था के लिए, अपनी संस्था में काम करने वालों के लिए पहले से प्लानिंग करके रखें। कोई लोअर कैटेगरी का स्टाफ मेंबर प्लानिंग नहीं करता है, प्लानिंग कौन करता है, मैनेजर करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, थिंक टैंक्स करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग करना ये किसका काम है, हेड का काम है। आप पहले से स्केच करके रखें कि कौन सा काम होना है, कब तक पूरा होना है, कैसे करना है, कौन लोग इसे काम करेंगे, तो दैट इज ऑल द प्लानिंग। मान लीजिए कि कोई एक करिकुलम में आपने कोई एक नया सब्जेक्ट जोड़ने रहा, ठीक है, तो वो क्या सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरा आप उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, अपनी संस्था में कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाना आप पसंद करेंगे, उसका करिकुलम कैसे डिसाइड करेंगे आप, थर्ड उसको पढ़ाने वाले लोगों को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्टाफ लेकर के आना पड़ेगा, टीचर लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है, फिर उनको बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक, फिर अगर मान लीजिए उसमें एक्सपेरिमेंट या कुछ और काम होते हैं, तो फिर आपको कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा कि भाई इसमें तो एक्सपेरिमेंट भी होगा, तो आप उस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस काम को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कुछ भी चीज़, कुछ भी काम अगर कोई संस्था का हेड करने जाता है, तो उन्हें इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हेड का, कोई भी काम वो करने जा रहा है तो उसकी प्लानिंग करना। ठीक है, फिर उसी का काम है ऑर्गेनाइज करना, क्या क्या ऑर्गेनाइज करेगा वो ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करेगा, वो फंड को ऑर्गेनाइज करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करेगा वो। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें एक काम करने के लिए लगती हैं, उन सब का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ये हेड को डिसाइड करना है, कौन सी प्रोसेस होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, एक हेड डिसाइड करेगा। तो दूसरा काम क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं स्टाफिंग,
अब हेड का ही क्या काम है कि दिस इन्वॉल्व रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब एंड फैसिलिटेटिंग देयर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग वाइल मेंटेनिंग अ फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट। तो ये एक हेड का ही काम है कि वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स लेकर के आए, जैसी ज़रूरत है अच्छे कैंडिडेट्स को लेकर के आए, उनको जॉब दे, उनको ट्रेनिंग दे और उनकी स्किल्स को बरकरार रखे और एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करवाए। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, डायरेक्टिंग। अब क्या डायरेक्ट करना है उन्हें? मैनेजर हैज़ टू डायरेक्ट देयर एफर्ट टुवर्ड द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय डिवाइडिंग दोज अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक गोल इनटू स्मॉल वर्केबल टाइम बाउंड टारगेट्स। तो ये एक मैनेजर का, एक एग्जीक्यूटिव का वर्क है कि वो गोल्स को जो है क्लियर रखे और जो आपका मेन गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दे, ताकि जल्दी जल्दी आपका जो ग्रुप है उस गोल को पार करता हुआ अपने मेन गोल की तरफ बढ़ता चले। और बढ़ता चले उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक मैनेजर जो है एक मेंटर, एक मोटिवेटर का भी काम करता रहे, तभी आप अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। एक्चुअली में एक टीचर भी यही काम करता है ना, एक टीचर प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है। जैसे मैं हूँ, मुझे ये लेक्चर बनाना था, मैंने प्लानिंग करी, मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा, ठीक है, स्टाफिंग तो क्या ही हुई होगी यहाँ पर, मतलब मुझे ही बताना है कि क्या करना है। फिर डायरेक्टिंग, मुझे कौन सी चीज़ पहले बतानी है, कब बतानी है ना, ये चीज़ें हो गई। ठीक, आपसे जो बात कर रही हूँ तो कभी कभी मुझे मोटिवेट भी करना होता है, हो सकता है मैं आपको मेंटोर भी कर रही हूँ, कुछ लोग मानते हो। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को जो है डायरेक्टिंग भी करनी होती है, डायरेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ गोल्स को टारगेट करना, अपनी टीम को मोटिवेट रखना। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं ये आप किसी टीचर पे भी लगा सकते हैं, कोई एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी ये अप्लाई होती है। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल है, आप एक टीचर हैं, आपका प्रिंसिपल भी ये सारे काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करवाना है ना। तो चीफ मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो उसकी कंपनी में या उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको एक साथ लेकर के चले, कोऑर्डिनेट करवाए। ठीक है, मान लीजिए अब आप हैं, आप स्कूल में एक टीचर हैं, हम ये मान के चलते हैं, और स्कूल में एक टीचर है और आपके यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए कि बायोलॉजी लेबोरेटरी की टीचर को केमिस्ट्री की लेबोरेटरी से कुछ चीज़ें चाहिए, तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल वो एक दूसरे को कॉपरेट ना करें तो फिर काम कैसे चलेगा? मान लीजिए बायोलॉजी वाले टीचर कोई केमिकल की ज़रूरत है, वो टीचर नहीं दे रही है, तो ये किसका काम है? प्रिंसिपल का काम है कि वो कोऑर्डिनेट करवाएं, तभी तो बच्चों का करिकुलम आगे बढ़ेगा। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। नाउ फॉर नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग रिफर टू कीपिंग द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बोथ द वे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन होने चाहिए, मतलब कि बॉटम टू अपवर्ड और अपवर्ड टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन का फ्लो अच्छा होना चाहिए। जो मैनेजमेंट कहना चाह रहा है वो लोअर लेवल तक बात पहुँचे और लोअर लेवल की जो फीलिंग्स हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, वो अपर लेवल तक पहुँचे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सकती है। तो ये मेंटेन करना, ये रिपोर्टिंग मेंटेन रहे, ये किसका काम है? ये एक हेड का काम है कि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एंड ऑल्सो अ लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द बजटिंग। तो एक बजट अप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट बजट तैयार करके रखना एक हेड का काम होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव और द मैनेजर टू मेंटेन अ गुड बजट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से बजट प्लान करें कि जो प्लान आपने सोचा था, बनाया था, वो एग्जीक्यूट, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और आपका बजट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इन सभी सात चीज़ों को एक संस्था का हेड, मैनेजर या चीफ एग्जीक्यूटिव, जो भी आप बोल लें, वो करता है। और यही क्या है, पोस्ट कॉब है जो बताया गया है। ठीक है, होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी इस टॉपिक की। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।